अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपनी हुकूमत जमा ली है। इस दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे पूरी दुनिया हैरान है। वहां जिस तरह की बर्बरता महिलाओं के साथ हो रही है उसकी आग बनारस की अल्पसंख्यक महिलाओं में भी उठती हुई देखी जा रही है। आज बुधवार को बनारस की अल्पसंख्यक महिलाएं तालिबान के विरोध में उतरी और उनके खिलाफ नारे लगाएं और सरकार से अपनों की वतन वापसी के लिए मांग की। हुमा बानो का कहना है कि तालिबान जो अफगानिस्तान के साथ क्रूरता कर रहा है उससे पूरी दुनिया में उदासी छाई हुई है। महिलाओं के साथ जुल्म, जाति और गलत काम करना अमान्य है और तमाम देश की महिलाएं साथ आ चुकी हैं। हुमा बानो और अन्य मुस्लिम महिलाओं ने तालिबानियों के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए तख्ती के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा बानो है। हुमा जी, तमाम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? ये तालिबान जो अफगानिस्तान पे जो तांडव मचा रहा है ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब कि एक उदासीन माहौल है और एक ऐसा कदम है कि जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और ये चीज़ जो है महिलाओं पे जुल्म ज़्यादती करना या उनके साथ गलत व्यवहार करना ये तो अमान्य है। और तमाम देश की महिलाएं उठ चुकी हैं इस चीज़ को कि अब तालिबान तुम होश में आओ, हत्याएं रोक दो, मुल्क में अमन चैन रखो। जिसका माहौल है क्या कहना चाहेंगे? हम तो तमाम मुल्कों से गुजारिश करना चाहेंगे कि उस मुल्क का साथ दें और आप खुद अपने सरकार से, भारत सरकार से गुहार लगाएंगे कि आप हमारे जो भारतीय वहाँ फंसे हैं तत्काल उनको निकालने की व्यवस्था की जाए।